मम्मी जी बोलो क्या आप सफाई क्यों कर रही हैं अभी? दिवाली की सफाई तो हो गई थी पर काम इतना ज्यादा था ना कि ये सफाई रह गई थी इसीलिए कर रही। अच्छा तो मुझे दीजिए मैं करता। अरे नहीं नहीं तुम किचन में जाओ और निशा का हाथ बटाओ। किचन का सारा काम कब से खत्म हो गया ये दीजिए मुझे दीजिए मैं करता। क्या बात है आज सास पर बड़ा प्यार आ रहा है? वो तो हमेशा आता है और सास पर नहीं माँ पर। आज बहुत खुश लग रही हो कोई खास वजह? हाँ वजह तो है और मैं खुश भी हूँ बताऊँ क्यों? हाँ क्योंकि मुझे आपसे ढेर सारे आशीर्वाद चाहिए। वो तो हमेशा से तेरे साथ। अच्छा सुन चाय पीने का मन कर पिएगी? गुड आइडिया मैं अभी जाके बनाती हूँ। नहीं तू बस ये कर ले तेरे सिर्फ दो ही हाथ चाय मैं बना लूंगी। अच्छा सुन सफाई कर ही रही है तो अलमारी के ऊपर एक हाथ फेर देना बहुत धूल जमी हुई है। ठीक है। मेरे होते हुए आप चाय बनाएंगे? लाइए मुझे दीजिए चाय तो मैं गेंदा के लिए बना रही हूँ। तुम पियोगी? तुम्हारे लिए भी बना देती हूँ। नहीं मम्मी जी। मम्मी जी गेंदा के लिए चाय बना रही हैं? ये उल्टी गंगा कब से बहने लगी? मम्मी जी आपने ये बात हमसे क्यों छुपाई? मिली और तू मेरे कमरे में सफाई कर रही थी या जासूसी? नहीं सफाई ही कर रही थी मैं पर कुछ बातें ना छुपाई नहीं छुपती। ये फोटो देख के पता चल रहा है अब कितनी अच्छी क्लासिकल डांसर है। ये बात अब तक हमें क्यों नहीं बताई? जो बातें छुपाई नहीं छुपती ना उन्हें जबरदस्ती छुपाना पड़ता है। मतलब ये लो जहाँ से लाई हो उसे वापस रख दो। अगर पापा जी को पता चला ना तो बहुत गुस्सा करेंगे उन्हें ये सब नहीं पसंद। मुझे भी तो बताइए आप लोग क्या बातें कर रहे हैं मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं बताती हूँ ना भाभी ये देखिए। अरे ये फोटो देख के साफ पता चलता है ना कि मम्मी जी कितनी अच्छी डांसर है। ये बात इन्होंने हमसे छुपाई गलत है ना? गलत बात तो है मम्मी जी। मम्मी जी कितनी सुंदर फोटो है ये आपकी आप कितनी खूबसूरत लग रही है ये डांसर के गेटअप में। और मुझे एक बात बताइए जब आप इतनी अच्छी ट्रेन डांसर हैं, तो आपने डांस छोड़ा क्यों? आपको दोबारा शुरू करना चाहिए है ना? पागल हो गई ये क्या? बताया ना इन्हें बिल्कुल नहीं पसंद ये सब। हाँ गेंदा और वैसे भी वो टाइम अलग था जब मम्मी जी डांस किया करती थी लेकिन अब इस उम्र में खैर चलो अगर हम ये सारी बातें भी छोड़ दें तो पापा जी को भी बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब कुछ। और इस उम्र में मम्मी जी डांस वांस करके कर भी क्या लेंगी। हाँ रहने दो वैसे भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। नहीं हो पाएगा बेटा और जो नहीं हो पाएगा उस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। जाओ इसे वापस रख दो। जो आप नहीं चाहती थी कि मैं करूं वो आप मुझे करने दे रही हैं तो फिर जो मैं चाहती हूं कि आप करें वो आप क्यों नहीं कर सकती मम्मी जी? अरे आप सबको पता है आज एक बहुत रास की बात मुझे पता चली। बहुत बड़ी सीक्रेट है। इसके पेट में एक बात नहीं बचती अब सबको बताएगी। रास की बात? ऐसी कौन सी रास की बात है हमें भी तो बताओ। मम्मी जी बता दूं? अच्छा नहीं बताती मम्मी।
पर ये तो बताइए, आप हम सबको डांस परफॉर्मेंस कब दिखा रही हैं? ये दा कौन सा डांस? ये तो वरुण मम्मी जी ही बताएंगे। तुम फिर शुरू हो गई, तुम्हारी सुई तो एक जगह अटक जाती। एक सेकंड, एक सेकंड, ये आप लोग क्या बात करो, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या? हाँ भाई, मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। किस सीक्रेट की बात कर रही हो, ठीक से बताओ गेंदा। मनीष भैया, आज ना जब मैं सफाई कर रही थी ना, तब मुझे अच्छा हुआ आप आ गए, हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। एक काम करो, खाना कमरे में भेज दो। कमरे में? आप क्या कह रहे हैं? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप सबसे अलग बैठकर खा रहे हो। हम सब तो साथ में बैठकर खाते हैं ना। और भी ऐसी बातें हैं जो आज तक नहीं हुई थी, लेकिन आज हो रही है। जब विचार ही नहीं मिलते हैं तो साथ बैठकर खाने का ढोंग क्यों? खाना भेज दो कमरे में। अभी भी गुस्सा है इसलिए क्योंकि वो आप पे अपना हक समझते हैं, और हक अपनों के साथ ही जताया जाता है जो दिल के सबसे करीब। तुम इन्हें नहीं जानती गेंदा। ये क्या है? तुम जानती हो ना अनुराधा, मुझे घिया पसंद नहीं है, तो बनाया क्यों ये? बच्चों को पसंद है तो उन्होंने बना लिया, आप एक बार खाकर तो देखिए। अब खाना भी बच्चों की मर्जी के हिसाब से खाना पड़ेगा। वाह वाह, ना तुम भी यही चाहती हो, कहीं ऐसा तो नहीं बच्चों की सगी हो गई हो और पति को दुश्मन मान लिया? ये क्या कह रहे हैं? नहीं खाना है, ले जा। मम्मी जी आई एम सॉरी, वो मुझे घिया बनाना ही नहीं चाहिए था। नहीं गेंदा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने तो वही बनाया जो सबको पसंद, सिवाय इनके। देखना सब्जी के लिए कितना नाराज हो गए, डांस की बात पता चलेगी तो तू सोच के आओ। मम्मी जी, इस तरह अपने अंदर की कला को मार देना कहाँ तक सही लगता है आपको? हर इंसान में एक हुनर होता है, और जब वो हुनर बाहर निकलता है ना, उसकी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस और निखार आता है। मुझे लगता है डांस आपके लिए सिर्फ हॉबी नहीं था, आपका पैशन था। प्लीज उसे ऐसे मत छोड़ दीजिए। मैं तुम्हारी बात समझती हूँ बेटा, लेकिन जिस हुनर से किसी को दुख पहुंचे, घर में कलह कलेश हो, तो उसे छोड़ देना ही अच्छा होता है। और मैं इस घर में डांस करूं? नामुमकिन। बहुत खुश लग रही है आज, मानो जैसे किसी अपने को बहुत दिनों के बाद मिली। कोई ऐसा अपना जिन्होंने मुझे असीम शक्ति और आत्मविश्वास दे दिया है। अब मैं किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मम्मी जी, चाहे कुछ भी हो जाए, डांस तो आप करेंगी। सब कुछ जानते समझते हुए भी तुम ये कह रही हो? ये नहीं होगा। अच्छा, अगर पापा जी खुद
आपके साथ डांस करे तभी नहीं। इंसान को दिन में सपने देखते हुए तो मैंने सुना, तुम तो चलते फिरते सपने देखती हो, तुम्हारे अंदर भी हुनर है। कोई बात नहीं, उड़ा लीजिए, आपको जितना मजाक उड़ाना है ना उड़ा लीजिए, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि पापा जी खुद आपको कहेंगे और आपके साथ डांस भी करेंगे। चलो मान लिया कि ऐसा होगा, तब तुम देख लेना अपनी सास का डांस, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। हम कुछ करना चाहे और वो ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे भी इम्पॉसिबल तो खुद कहता है, आई एम पॉसिबल, और ये इम्पॉसिबल को मैं पॉसिबल कर दूंगी अगले 24 घंटे में, ये मेरा आपसे वादा है। देखते हैं। तुम क्या कह रही हो केंद्र, पागल हो गई हो क्या? इतना बड़ा चैलेंज दिया ही मम्मी को और ऊपर से प्रॉमिस भी कर दिया। तुम्हें पता भी है पापा को कितनी चिढ़ मचती है डांस वांस से? पता है बर, पर क्या आपको पता है कि मम्मी जी कितनी अच्छी डांसर है? तो ये बात सबको पता चलनी चाहिए ना। वो सब तो ठीक है केंद्र, लेकिन 24 घंटे वाला जो चैलेंज देकर आई हो ना मम्मी को, वो तो पूरा होने से रहा। 24 घंटों में तुम कैसे कर पाओगी? इम्पॉसिबल है। कैसे करूंगी वो तो मैं भी नहीं जानती, पर हाँ इतना जरूर जानती हूँ कि कर लूंगी। वैसे भी मुझे आजकल ऐसा लगता है जैसे मैं किसी भी इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर सकती हूँ। अच्छा जी, तो देखते हैं कैसे करती है आप इस इम्पॉसिबल काम को पूरा, क्योंकि मुझे तो लगता है अब सिर्फ भगवान ही आपकी कुछ मदद कर सकता है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, जैसे कोई ना कोई इशारा मुझे जरूर मिलेगा। पता है वरुण, आजकल मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास मुझे मिल गया, इसी वजह से मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है गेंद, अगर तुम्हें खुद पर इतना भरोसा है तो जरूर कर। लेकिन अगर तुम ये ना कर पाई तो? ना कर पाई तो मतलब? मतलब ये कि अगर तुम इस इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल नहीं कर पाई तो क्या करोगी? तो मैं क्या करूंगी? आप मेरी छोड़िए, अगर मैंने इस इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर दिया आप क्या करेंगे? मैं सबके सामने तुम्हें किस करूं? सबके सामने किस करेंगे? नहीं, इम्पॉसिबल है। अगर तुमने अपने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर लिया तो मैं भी अपने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर लूंगा। जी आपकी चाय। नहीं निशा, मन नहीं है। अरे लेकिन मैंने बहुत प्यार से बनाई है आपके लिए, खास आपके लिए, पीकर देखे आपको अच्छी लगेगी। नहीं पी सकते। मम्मी जी नाश्ता खा लीजिए। नाश्ता नहीं खा सकते। अरे आपने चाय के लिए भी मना कर दिया और नाश्ते के लिए भी। मम्मी जी तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मेरा आज व्रत। आज आपका व्रत है?
क्यों? कुछ है क्या आज? हाँ, कुछ है। तो हमें भी बताइए क्या है। मुझे पूजा करनी है, मैं चलती हूँ। लेकिन मम्मी जी, ये भाभी, मम्मी जी कौन से व्रत की बात कर रही है और कौन सी पूजा, कुछ पता है आपको? नहीं गेंदा, मुझे भी कुछ नहीं पता। ऐसा क्या है आज जो मम्मी जी ने व्रत रखा है और कुछ बता भी नहीं रही? हेलो, नमस्ते नानी जी। अरे गेंदा। हाँ। कैसी हो बेटा? नानी जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है अब? बस परमात्मा का शुक्र है। अनुराधा कहाँ है? वो मम्मी जी ना पूजा कर रही है। अच्छा, मेरी बीमारी का सुनकर थोड़ा घबरा गई। बस मैंने यही सोचा कि उसको फोन करके बता दूं कि मेरी चिंता ना करे, अब मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। उसने मेरी बहुत मदद की, उसकी वजह से ही मेरा ऑपरेशन हो सका। रतन भी नहीं था यहाँ, एक बेटी होकर अनुराधा ने मुझे बहुत सहारा दिया। थैंक यू कहने के लिए ही फोन किया। नानी जी, बेटी से कैसा थैंक यू? बेटी है तो क्या हुआ, माँ के लिए प्यार कम थोड़ी हो जाएगा। मम्मी जी आपसे बहुत प्यार करती, और बेटी का फर्ज बेटे के फर्ज से कम थोड़ी होता है। अनुराधा बहुत किस्मत वाली है, इस तुम्हारी जैसी बहू मिली। कितने अच्छे विचार है तुम्हारे। अब मैं फोन रखती हूँ। नानी जी एक मिनट, मुझे ना कुछ पूछना था आपसे। वो आज मम्मी जी ने व्रत रखा है, आज कुछ है क्या? मेरा मतलब है कुछ खास है क्या? खास दिन नहीं तो ठीक है, मैं रखती हूँ। आप अपनी तबीयत का ध्यान रखना और मैं मम्मी जी को बता दूंगी कि आपका फोन आया था। जीते रहो बेटा। लोगिंदा, प्रशांत। आपको क्या लगा? आप हमें बताएंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा? मुझे पता चल गया है आज क्या खास। तुम्हें कैसे पता चला? नानी जी ने बताया, अभी उन्हीं का तो फोन आया था। अच्छा, माँ ठीक तो है ना? हाँ, उन्होंने वही बताने के लिए फोन किया था कि अब वो बिल्कुल ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। थैंक यू कह रही थी आपसे उनकी मदद करने के लिए। माँ भी ना। वैसे मम्मी जी, आज के दिन आप सिर्फ व्रत रखती हैं या कुछ और भी खास करती हैं? मैं तो पहले बहुत कुछ करती थी। तेरे पापा जी के लिए उनकी पसंद का खाना बनाती थी, वो मेरे लिए गिफ्ट लाकर देते थे। और हाथों में मेहंदी लगाती थी। और मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई, अब इस उम्र में ये सब करना अच्छा नहीं लगता। बच्चे भी बड़े हो गए हैं, शादी हो गई, अब ये सब क्या करना। मम्मी जी सीधे सीधे बता क्यों नहीं रही कि चक्कर क्या है? मेहंदी, आप ही ने तो कहा था आप मेहंदी लगाती थी आज के दिन। तुम्हें मेहंदी लगानी आती है? हाँ, मुझे मम्मी ने सब सिखाया। चलिए हम मेहंदी लगाएंगे। अरे नहीं गेंदा, रहने दो, घर में बहुत काम है। मैं हूँ ना, मैं सब कर लूंगी, और वैसे भी 2-3 घंटे में ये सूख जाएगी। अब आराम से मेहंदी लगवाई। वैसे मम्मी जी आपने बताया नहीं और आप क्या करती है आज के दिन? जब वरुण और मनीष छोटे थे तो मेहमान आ जाया करते थे घर पे, और कभी तो मैं और तेरे पापा जी बाहर चले जाते थे घूमने। अच्छा, और तो ये और क्या कर रही है? और बस
शादी को 30 साल हो गए हैं और शादी के 30 साल बाद सालगिरह कौन मनाता है? आपके यहाँ सालगिरह है? हाँ, तुम इतना क्या हैरान हो रही हो? तुम्हें तो पता था। हाँ, मुझे तो पता था। पता था मुझे। वो आपने बोला ना, इसलिए मैं फिर से खुश हो गई। शायद सालगिरह है। मम्मी जी, पापा जी का नाम लिख रही हूँ मैं। अरे पागल हो गई है क्या? इस उम्र में पापा जी का नाम लिखूंगी हाथ पर? हाँ, मैं तो लिखूंगी, अच्छा लगेगा। गेंदा, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तुम भी ना बिल्कुल बच्ची बन जाती हो और मुझे भी बच्ची बना रही। तो अच्छी बात है, कभी कभी बच्चा बन जाना चाहिए। काश जितनी खुशी तुम्हें हो रही है ना हमारी शादी की सालगिरह को लेकर, उतनी खुशी तेरे पापा जी को भी होती। उन्हें भी उतनी ही खुशी होगी। इतना ही नहीं, वो आपके साथ डांस भी करेंगी। मैंने प्रॉमिस किया है ना।